हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लॉकडाउन चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम करके परेशान हो गए हैं सब। तो आज संडे को ऑन हाई डिमांड ऑफ माय सन मैंने आज बेक किया है सूजी का केक विद बॉर्नविटा एंड देयर इज नो एग इन इट। सो लेट्स मेक इट क्विकली गाइस। तो बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड दही। एक कप मैंने दही लिया है, फ्रेश दही है ये। इस दही को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कोई लम्स ना रहें। उसके बाद वही कप एक भरा हुआ हमें शुगर लेना है। इसको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें, मेक श्योर कि कोई लम्स ना रहें। देन हाफ कप ऑफ मैंने इसमें ऐड किया है रिफाइंड। आप मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं और उसको फिर अच्छे से विस्क करें और बहुत क्रीमी सा ये एक टेक्चर वाला लिक्विड हमारे पास हो जाएगा। और उसमें ऐड करेंगे हम सूजी, 1 कप सूजी। इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था क्योंकि मेरे पास मोटे वाले सूजी थी, तो मैंने उसको ग्राइंड कर लिया और इसको अच्छे से हम फिर से फेटेंगे। एंड देन हम उसमें 1/2 कप बॉर्नविटा मैंने ऐड किया है। आप चाहें तो कोको पाउडर या कोई भी चॉकलेट वाला आपके पास कुछ है तो आप ऐड कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे। देखिए मिक्सिंग अच्छे से करनी है, लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। एंड देन जब ये अच्छे से मिक्स होगा मैंने इसमें बेकिंग पाउडर एंड थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड किया है। 1/2 कप बेकिंग पाउडर एंड चुटकी भर बेकिंग सोडा अच्छे से मिक्स करेंगे इसको भी हम। एंड देन हम इसको 1 आवर के लिए रेस्ट देंगे इस बैटर को। एंड रेस्ट देने के बाद हम एक बेकिंग पेपर लगाएंगे टिन में, अच्छे से उसको ग्रीस कर लेंगे। एंड देन वो जो बैटर है उसको दोबारा से विस्क करके एंड देन हम इसको पोर करेंगे। अच्छे से पोर करें और फिर उसको मैं प्री हीट OTG में 180 डिग्री सेल्सियस पे मैंने बेक किया है। आप चाहें तो इसको कुकर में भी बेक कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। एंड देन जब ठंडा हो जाए निकाल लें, 40 मिनट्स के बाद ठंडा हो जाए फिर हम इसके एजेस को नाइफ से थोड़ा अलग कर लेंगे सो दैट उसको निकालने में हमें इजी रहे। फिर इसको एक प्लेट पे मैंने पलट लिया है एंड देन बेकिंग पेपर को मैंने रिमूव किया है। अगर बेकिंग पेपर नहीं है तो आप मैदा डस्ट करके भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना टेस्टी एंड हेल्दी केक तैयार है हमारा। सो थैंक यू गाइस, ट्राई इट।